ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਨੇ ਭਾਈ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਰੀਬੀਅਨ ਮਹਿੰਗਾ ਨੇ ਬਾਰੇ ਚ ਸਾਰਾ ਮਹਿੰਗ ਭਾਈ ਤਾਂ ਭੂਏਗੀ ਮਹਿੰਗ ਭਾਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਹੀਂ ਮਹਿੰਗ ਭਾਈ ਅੱਛਾ ਤੇ ਡਿਆਲੀ ਵਾਮ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਗਨਾ ਮੈਂ ਸੂਦ ਨਹੀਂ ਸੂਦ ਖਤਮ ਕਰੋ ਮਹਿੰਗ ਭਾਈ ਖਤਮ ਰਹਿਮਾਨੀ ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕਮ ਮੈਂ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਮੈਂ ਤੁਸਾਂ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਹਾਲੀ ਵਿਲਾਗ ਉਮੀਦ ਹੈ ਸਾਰੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ ਸੋਦ ਅੱਲਾ ਨੇ ਜੋ ਅਮਾਨੀ ਚੋ ਤੋ ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ ਆਸਾਂ ਆਇਆ ਡਿਆਲ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਉਸੇ ਜੈਸੇ ਪੈਟਰੋਲ ਅੱਜ ਕਾਫੀ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿੰਨਾ ਲੀਟਰ ਆ ਪੈਟਰੋਲ ਜਨਾਬ 179 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਵੀ ਲੱਗਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ੀਰੀ ਸੀ ਇਸ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜੁੜਨੇ ਆ ਸਾ ਫੋਨ ਨਿਗਰਾਮ ਮੋਬਾਈਲ ਸ਼ਾਪ ਉਸ ਤੇ ਮਾਈਕ ਚੈੱਕ ਕਰਦਾ ਮਾਈਕ ਕਿਹਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਇਸੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਾਡੀ ਕਲੀਅਰ ਤੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ ਬਾਅਦ अच्छा जी इस टाइम असं मौजूद हाँ इकराम मोबाइल शॉप पर हाँ सब मौजूद है साढ़े ना हूँ असा इन्होंने को माइक इन्ने तुम्हें पता वैसे आवाज तो काफ़ी कम बेचनी असी माइक चेक कराओ ना जी हाँ साहब हाँ हाँ माइक चेक कराओ बोया एम वन कितनी क्वालिटी से अच्छा ये इनमें क्या प्राइस का फ़र्क है इनमें और इनमें ये 2500 का हो गया और ये 1500 रुपये का हो गया ये इनमें दो फर्क है जी क्वालिटीज़ में और पैसों में भी फ़र्क है लेकिन फिर ये अच्छी क्वालिटी वाला खोले सरकार फिर ये ले वाह जी वाह आवाज़ है क्लियर होगी ला आवाज़ है पैसे भी देने हैं पसंद जी दोस्तों फाइनली असा नया माइक खरीद ही है तो हूँ उम्मीद है तुम्हें कि वॉयस भी क्लीयर इचनी उसी तो बाकी शोर शराबे भी नहीं इचना उन्होंने बिच तो हूँ चलो मजीद असा वाम को डाय सा क्या महंगाई ने बारे इन्होंने क्या रिव्यू है तो तुम ये लाजमी दसो कमेंट करी कि माइक की आवाज़ ज़्यादा क्लीयर है या पहले ज़्यादा क्लीयर से। हाँ जी दोस्तों है क्या माशाल्लाह दो तीन बुजुर्ग शख्सियात भी मौजूद हैं इन्हों को पूछने अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। सर क्या हाल है? ठीक हो जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सर। अच्छा ये दसो महंगाई ने बारे क्या रिव्यू है? महंगा पाई सर महंगा पाई है फिर तो क्या दसा एक किस वजह तो हुई है कोई रीज़न दसो पिछली हुकूमत से या मौजूदा हुकूमत है? पिछली हुकूमत ही महंगा पाई से इस हुकूमत ही महंगा पाई है। ज़्यादा जिम्मेदार कौन है इस वेला जी गवर्नमेंट है वो जिम्मेदार है यानी कि इन्होंने भाई ने रिव्यू है क्या मौजूदा हुकूमत जिम्मेदार है? भाजी तुम्हारा क्या ख्याल है? बिल्कुल जी मौजूदा हुकूमत जिम्मेदार है। पेट्रोल की देखो 3 रुपये कीमत जी है इजाफा होया तो उसने ना ही जनाब हर चीज़ महंगी हुई है हर चीज़ जिसे पेट्रोल की कीमत बदनी है हर चीज़ महंगी होनी है उसने तो जी हुकूमत मौजूदा ना वो जिम्मेदार होनी है। ये जी महंगाई है ना इसने ना कोई हुकूमत मनी नहीं कि असं जिम्मेदार है ना जिम्मेदार महंगाई तो आलमी सतह पर भी है ही है लेकिन यह कि चोर है सारे क्या नून लीग क्या PTI क्या पीपल पार्टी सारे चोर बैठे ने इस मुल्क ये नहीं कि इन्होंने मतलब है जब दू तक चोर लुटेरे तू जाने नहीं तो महंगाई खत्म नहीं कोई नवा चेहरा अगर अच्छा कोई नवी क्या इमरान खान की असं जाने सा कि इमरान खान साहब अगर अच्छे लेकिन उन्होंने भी जनाब नवा चेहरा तो थिया लेकिन करतूत हुआ पुराने लिए से ते बाकी इंशाल्लाह अगर कोई बेहतरीन उम्मीद है साड़ा मुल्क पाकिस्तान ऐसा मुल्क है कि 50 साल 70 साल हुई ने खाने 70 और खाने रहने तो भी नहीं खत्म होना। महंगाई ना इन्होंने बिजनेस की कितना फर्क पिया था महंगाई ने बारे इन्होंने का पॉइंट ऑफ व्यू है? महंगाई जनाब आदि ज़्यादा बढ़ी गई है पहले जरा यानी कि घी असा किलो किन्ने सा 200-180 इस टाइम असा किनी ने 450 रुपये किलो कस्टमर के अगर असा रेट बधाई के दसा तो कस्टमर हाँ जी बहुत महंगे उतो था हूँ दसो कि असा महंगी चीज़ा आनी किसा सस्तियाँ बेचा कस्टमर लौटना हुआ पुराने रेट है बिल्कुल तो लेकिन एक कुछ चीज़ा हो गई महंगी चावल सी पहले 180 हूँ चावल 350-300 रुपये किलो हो गया चने ऐसा तरह हर चीज़ महंगी हुई है बहुत ज़्यादा महंगी हुई याद ना ज़्यादा है तक कि सकते हो जी हर जगह जरा ना महंगाई ना रोना ही है हूँ अगर ये भी कुछ महंगी चीज़ा तो जरा क्या महंगी बेचन तो आवाम तो जरा तंग ही हो सी है सारे फसाद की जड़ियाँ हुक्मरान अज इन्हें हुक्मराना ने जितने भी खर्चे ने सिंगल किए जान इन्हों तनखा खत्म कीतियाँ जान इन्ना कि बिल्कुल जिसकी तनखा 5 लाख है ना उसने 50,000 करी छोड़ा मुल्क ना कर्जा भी ले जासी तो महंगाई भी घट हो जासी जिम्मेदार हुकूमत तो पिछली है हूँ तो जो PTI वाले ने वो तो यह गल पाने जी कि तको जी 30 रुपये महंगा हो गया पहले जिसलै पिछली हुकूमत छोड़िया 65 रुपये लीटर तो इन्ना नहीं तो 100 तो 65 पर छोड़िया अगर 30 रुपये बधी है फिर घड़ी गल 500 सी तो भी पवासा इस मुल्क घड़ी चीज़ सस्ती हुई है जो हूँ सस्ती रही सी इन्होंने बाकी महंगाई नहीं जिम्मेदार पिछली हुकूमत है तो इन्होंने भाई को पूछना इन्होंने क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? साढ़ा पॉइंट ऑफ व्यू इ जी पुरानी हुकूमत खराब करेगी अच्छा इमरान खान सारे कर्जे गिनी ना मुल्क डुबोई गया महंगाई नहीं असल वजह यही है पूरी दुनिया पर महंगाई है ये तो है इसी कोई शक नहीं है चलो कुछ हुक्मराना भी गलती होनी है इस टाइम च नहीं है जे खाली आवाम पर असर पैना है इसने पूरी दुनिया पर असर है वो तो है इसने चलो मौजूदा हुकूमत भी है मगर उसने मैं ज़्यादातर बेनीफिट समझना जो पूरी दुनिया में है।
जनाब महंगाई ने जिम्मेदार तो हुकूमत से जिस निज़ाम चलाया सा असा तो इमरान खान की हुकूमत ही कह सक साढ़े त्रै साल तो कारोबार दिन ब दिन डाउन होने गए हैं। अज हर बंदा मजबूर हो चुका, असा दुकाना ने खर्चा तो मजबूर हो चुके, दुकाना ने खर्चे नहीं पूरे हो रहे हैं, मुकम्मल ही जीरो पर दिन ब दिन पिछे वाले पासा जा रहे हैं, अगे वाले पासा कोई चांस नहीं है साढ़े क्या अस नहीं कारोबार अगर तरक्की कर सकन। असं तो यही कहना है कि जड़ी भी हुकूमत है चाहे कोई नवाज नहीं आवे, बेनजीर नहीं अपना पीपल पार्टी नहीं आवे, लेकिन मुल्क ने मैसीयत बेहतर कर, मुल्क ने हालात बेहतर कर, महंगाई कम कर, ताकि गरीब लोग अपना जीना आराम नाल जी सकन। जनाब जरा कारोबार है, कारोबार तो बहुत मुतनासर होया है, ठीक है, जिसनी वजह थू तकीन हो तो सामने सामने ही सूरत हाल सारी सुबह थू कि इस वक्त तक बेले बंदा बहना पैना, ठीक है। तो दूआ नंबर यह है कि जी हुकूमत पिछली सी उस महंगाई बू की है, जो पिछली हुकूमत से ना इमरान खान साहब ने दौर नहीं हुकूमत महंगाई उस दौर तो स्टार्टिंग ज्यादा हुई है, वो समझ लगी ने। तो ये जो बेचारे हूँ टोला आया है तो सारे जने तकरीबन हुकूमत इसके समझिए ना जो क्या कि सारे मिक्स गठे सारे हुए हैं, ठीक है, कितनी पार्टियां सारिया गठिया हुई हैं। तो असा हूँ साढ़े कारोबारी लोगों पर एक एटम बम गिराया गया, समझ लगी ने। तो कारोबारी हालात कौन है तुम तक ही कहना बाजार ने सर्वे करी कि ना कि दुकाने कितने गाह कछने, गरीब बंदा तो मुलू मरी गया, जरा अमीर है वह भी तुम तक क्या उसी इस टाइम अक्सर जी आवाम ने रहा है वह तो ये है कि इमरान खान साहब की वजह तो महंगाई हुई है। तो असा तो चलो एक तरह न्यूट्रल ही रहने जिस उन्होंने न्यूट्रल लफज इस्तेमाल करने, तो बाकी तुम अपनी राय कमेंट लाजमी दसो कि तुम नज़र च महंगाई कुसी वजह तो हुई थी पिछली हुकूमत या मौजूदा हुकूमत या इसके पिछा कोई और वजूहत हैं। तो इंशाल्लाह जी मिलने हैं अगले व्लॉग में, अल्लाह हाफिज़।